स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीरत और कार्तिक एक दूसरे से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं गोयनका परिवार भी इन दोनों की शादी की धूमधाम से कर रहा है तैयारियां। लेकिन इस बीच एक ऐसा हादसा होने वाला है जो गोयनका की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। नायरा अब इस दुनिया में नहीं रही, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन सबके पैरों तले जमीन तब खिसकेगी जब सीरत के साथ होगा एक बड़ा हादसा। जी हाँ, शादी से पहले ही सीरत अचानक से बेहोश हो जाएगी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे फौरन डॉक्टर को दिखाया जाएगा। वेल, यहाँ पर जब सीरत अपनी आंखें खोलने वाली है तो नजारा कुछ बदला हुआ ही होगा। सीरत के हाव भाव कुछ बदले हुए ही होंगे क्योंकि यहाँ सीरत कार्तिक को काफी प्यार भरी नजरों से देखने वाली है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नायरा कार्तिक को देखा करती थी। कार्तिक सीरत के इस बदले अंदाज को देखकर काफी हैरान रह जाएगा। वेल, आपको बता दे कि यहाँ पर सीरत की यादें यानी कि नायरा की यादें वापस लौट आई हैं। वेल, टेलीविजन टाउन से उड़ती हुई आई हैं ये खबरें कि बहुत जल्द मेमोरी लॉस ड्रामा शुरू होगा, जहाँ पर सीरत अपनी याददाश्त खो चुकी है ऐसा ट्रैक शुरू किया जाएगा, यानी कि नायरा की याददाश्त वापस आ जाएगी। तो इंतजार रहेगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले इस सबसे बड़े बदलाव को देखने का, और साथ में ये खुलासा होते हुए भी कि आखिर नायरा सीरत बनी कैसे, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ सीरत की नानी ही दे सकती हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कैसे बदलती है कार्तिक और नायरा की जिंदगी। फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ सीरियल, सेलिब्रिटी न्यूज एंड व्यूज, प्लीज सब्सक्राइब सीरियल खबरी एंड हिट द बेल आइकन।